हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के अंदर, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड। याद कीजिए कि जो हमने ऑनियन पील, प्याज के छिलके से हमने जो स्लाइड बनाई थी, उसके बारे में सोचिए कि उसके सेंटर में हमने एक डार्क कलर का सर्कल जो है वो देखा था, जो आयोडीन से बना हुआ था, जिसको हमने न्यूक्लियस के नाम से पढ़ा था। ठीक है, व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होगा अगर हम बिना आयोडीन डाले उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने की कोशिश करें, ट्राई इट एंड सी वाट इज़ द डिफरेंट, और देखिए कि क्या अंतर है दोनों में। फर्दर इफ़ वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। जब हम आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो क्या पूरी की पूरी कोशिका के ऊपर एक जैसा रंग लग जाता है। अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक गुणों के आधार पे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल गेट कलर्ड डिफरेंशियली। अलग अलग केमिकल जो हैं वो अलग अलग तरह से रंगे जाते हैं। ठीक है, सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर रीजन। कुछ रीजन ऐसे होंगे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, जो कि ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो लाइट कलर के रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा अगर हम सेफ्रेनिन सॉल्यूशन यूज़ करें या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन यूज़ करें, नीले रंग का सॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो अगर यूज़ करें टू स्टेन द सेल्स, ताकि कोशिकाओं के ऊपर क्या लगे, धब्बा लगे, जिससे हम कोशिकाओं को आसानी से पहचान सकें। वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल फ्रॉम एन ऑनियन, हमने एक ऑनियन की जो सेल्स हैं उसको ऑब्जर्व किया। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी, अब हम हमारे खुद के शरीर की कोशिकाओं को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास जो है एक डबल लेयर जो है उसकी कवरिंग होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बिल्कुल हल्के हल्के, बिल्कुल बारीक जो है छिद्र होते हैं, जिनको हम पोर्स के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्स हैं ये अलाउ करते हैं, आने जाने की परमिशन देते हैं अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाने के लिए, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर से बाहर, मतलब कि साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल टू रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि देखने में रोड जैसे स्ट्रक्चर्स के तौर पे हमें दिखाई देते हैं। ओनली व्हेन द सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड, और ये ऐसा के हमें केवल तब दिखाई देते हैं जब कोशिका का विभाजन होना होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA। जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने साथ इंफॉर्मेशन, सूचना जो है उसको अगली पीढ़ी जो होती है उस तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और किसके रूप में होते हैं, वो DNA के रूप में होते हैं। देखिए यहाँ पे DNA आया है आपका, DNA की फुल फॉर्म देखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आप याद कर लीजिएगा, डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। ठीक है, तो ये जो है हमारे बेसिक लाइफ का जो है आधार है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, DNA से बने हुए होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, DNA मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो DNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास होता है सूचना, और सूचना से आधारित जितनी भी चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, उनकी सेल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कौन कौन से केमिकल कहाँ कहाँ और कब कब भेजने हैं, ये सारी चीज़ें जो है DNA जो है अपने अंदर इंफॉर्मेशन के तौर पे रखता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। DNA की जो सीक्वेंस है या जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, एक कोशिका जिसका विभाजन नहीं हो रहा होता, दिस DNA इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल,
उसके अंदर जो डीएनए है आपका वो क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पे उपस्थित होता है। Whenever the cell is about to divide, जैसे ही कोशिका को विभाजित होना होता है, the क्रोमेटिन मटेरियल gets organized into क्रोमोसोम्स। वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। द न्यूक्लियस प्लेज एन सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है वो अहम भूमिका निभाता है कोशिकाओं के विभाजन में। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसके अंदर के क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होंगे, अगर वो है ही नहीं तो, और जो है नई लाइफ का सर्वाइवल जो है या उनका एक्सटिंक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द एनवायरनमेंट। उसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट सराउंडिंग के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप, कि कोशिका जो है वो किस तरीके से विकसित होगी, व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट, उसके अंदर कौन सी फॉर्म जो है वो होगी एट मैच्योरिटी जब वो बड़ा होगा, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल उनके अलग अलग कोशिकाओं के आधार पे। सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल मे बी पुअरली डिफाइंड। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पूरे अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं होता। सच अंडर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ऐसे जो जीव होते हैं या ऐसा जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसी कोशिकाएं जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी और प्रो का मतलब होता है आपका प्राइमरी और कैरियोट्स जो है वो कैरियोन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि प्राइमरी न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, जबकि वो जीव जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो आपके कहलाते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी चीज़ों की और भी कमी होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास उपस्थित होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और इनके अंदर जो है कुछ मुख्य कार्य जो हैं वो साइटोप्लाज्म के द्वारा ही किए जाते हैं। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल। क्लोरोफिल जो होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बैग लाइक जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है बैग के जैसा, बट नॉट विद प्लास्टिड इन यूकैरियोट, पर उनके अंदर प्लास्टिड्स जो है वो नहीं होते जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ठीक है, व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील, जब हम ऑनियन पील जो है उसको माइक्रोस्कोप में हमने ऑब्जर्व किया, तीन चीज़ें बेसिकली हमने वहाँ पर स्टडी की थी, एक तो सेल मेम्ब्रेन था, एक न्यूक्लियस था, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है वो आपकी उस वहाँ पे क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए, व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल, और हमारे मुंह के अंदर की जो सेल्स हैं उनको जब हमने ऑब्जर्व किया, वी कैन सी ए लार्ज रीजन ईच ऑफ सेल इनक्लोज्ड बाई द सेल मेम्ब्रेन। हमने ये देखा कि कोशिका का अंदर का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो सेल मेम्ब्रेन ने घेर रखा है। ठीक है, दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटल स्टेन, ये जो रीजन है वो अपने ऊपर जो है बहुत कम धब्बा जो है वो बनने देता है जो हमने उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। ठीक है, तो वो जो है आपका कहलाता है साइटोप्लाज्म, वो क्या कहलाएगा आपका साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज ए द फ्लूड कंटेंट इन साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूड, एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इट आल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, उसी के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कैसे, सेल के कुछ इंपॉर्टेंट अंग हैं जो उनका इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो वो जो काम जो अलग अलग चीज़ों ने बांट रखा है वो चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होती हैं। ठीक है, देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं अलग अलग वो मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स
Besides the absence of defined nuclear region, the membrane bound cell organelle are also absent. और साथ साथ इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। मतलब कि सेल ऑर्गेनेल्स तो हो सकते हैं बट उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि सेल ऑर्गेनेल्स आप ये समझ लीजिए कि अब्सेंट ही होंगे, वो उस केमिकल के तौर पे उसमें डिजोल्व हो चुके होंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, मतलब कि प्रॉपरली इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स होंगे वहां पे, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। मेम्ब्रेन की जो इंपॉर्टेंस है वो वायरस की हेल्प से हम देख सकते हैं। वायरस के पास किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इनका जो है कोई खास गुणधर्म जो है ये अपनी लाइफ में कभी भी शो नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक वो किसी शरीर के अंदर नहीं घुस जाते या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं रह सकते, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और इन दिनों जो है कोरोना वायरस जो है चला हुआ है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, उसके खुद के कोई लक्षण नहीं है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तब हमें बीमारियों के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, ठीक है। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर सेल का एक मेम्ब्रेन है जो कि उसको बाहर के पर्यावरण से अलग बनाए रखता है। लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बड़े और जटिल आकार वाली जो कोशिकाएं हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती हैं, उनको जिंदा रहने के लिए बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस को जारी रखना होगा, ठीक है। टू कीप दीज एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, उन एक्टिविटीज़ को अलग अलग केमिकल्स आपस में मिक्स ना हो, वो प्रोसेस जो है अपने आप ठीक ढंग से चलते रहें, तो कोशिकाओं ने अपने आप जो है ऑर्गेनेल्स को डेवलप कर लिया, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनेल्स हैं आपके टोटल 6 ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। दो टाइप होते हैं इसके, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस, तीसरा हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिड, ठीक है। तो इन 6 जो हैं ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।